नमस्कार। पारंपरिक संगीत की श्रृंखला उत्तराधिकार की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा कलात्मक सिलसिला जिसमें भारतीय संस्कृति की धड़कनों को बहुत साफ तौर पर देखा और सुना जा सकता है। इस बार इस कड़ी में आइए आनंद लेते हैं मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के नृत्य। जिक्र जब जनजाति नृत्यों का होता है तो एक सुंदर वनवासी संसार से भी हमारा सामना होता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर की जीवन और प्रकृति की आपसदारी मनुष्यता के छंद रच रही है। गीत वनवासी युवक से पांव घुंघरू बांध आते, ताल सुर पर देह नर्तन ले हिलोरे प्राण जागे, पीत पाखी मोर पंखी आसमानी ले इरादे, धूल धरती विजन अंबर हर दिशा उल्लास जागे, बांव रामन ये हठीतन पोर पोर अनुराग मांगे। जीवन की आदिम इच्छाओं से छलकती एक बहुरंगी दुनिया, यहां मन की हसरतें किसी अल्लड़ सी धुन पर गाती नाचती जैसे विराट को पुकारती है। जंगलों में गुजर बसर करने वाले आदिवासियों का कुनबा इन्हीं लय गतियों और नाद की स्वर लहरियों में अपनी रूह का चैन तलाशता है। भीतर कहीं बहुत गहरे में आनंद की हिलोर उठती है, एक रोमिल एहसास मिट्टी की महक समेट लेता है, एक अहोभाव जागता है और थिरकती देह धन्यता के रूपक रचने लगती है। कला की रंग भूमि पर लालित्य की लालिमा का यह सुंदर नजारा कोरकू आदिवासियों के जीवन का सच है। एक ऐसी जनजाति जिसने पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं, घाटियों और नदी सरोवरों के किनारे एक खुशहाल दुनिया बसाई, जो मिला पाया उसे कुदरत की नेमत की तरह कबूल किया, उसके आंगन में हर ऋतु हर मौसम उत्सव की तरह उतरते हैं। वैशाख का महीना भी समय की दहलीज पर जब दस्तक देता है तो कोरकुओं के जीवन में खुशियां कुछ अलग तरह से चहक उठती हैं। इन खुशियों को ढोलक से उठती थाप और बांसुरी की लहराती तान पर थिरकते कदमों और लचकती देह में बहुत साफ पढ़ा जा सकता है। नृत्य की इस वानगी को कोरकुओं ने नाम दिया थापटी। दरअसल अच्छी फसल की पैदावार के साथ चैत्र महीने से शुरू हुआ नया साल वैशाख की गर्मियों में विश्राम का भी होता है। कुछ कोरकुओं के लिए यह अपनी संतान के विवाह का भी उपयुक्त समय होता है। थापटी दरअसल इसी निश्चिंतता, आनंद और मंगल की कामना का सामूहिक प्रतीक है।
कोरकू समुदाय की परंपरा के अनुसार थापटी महिलाओं का नृत्य है। पुरुषों की साझेदारी के लिए भी थापटी का दायरा हमेशा खुला रहता है। थापटी की नृत्य संरचना सादगी के श्रृंगार का सहज रूपांकन है। गहरे लाल या गुलाबी रंग की साड़ी, पांव में मछली के आकार की बिछिया, गले में सिक्कों की माला और भुजाओं में बावटिया, आंख में काजल आंजकर जब कोरकू स्त्रियां थापटी के लिए प्रस्तुत होती हैं, तो कभी मध्यम और तेज गतियों में उनका अर्धवृत्ताकार नाचना भला सा लगता है। हाथों में कभी झांझ और कभी लकड़ी का बना चिटकुला, युवतियों का समूह अपने पैरों की थिरकन से लय की सुंदर छवियां उकेर देता है। कोरकुओं की आपसदारी का एक ऐसा ही दिलचस्प नमूना है गादली नृत्य। इस नृत्य की परंपरा शादी ब्याह के सामूहिक उल्लास से जुड़ी है, लेकिन अब गादली अवसर विशेष तक सीमित न रहकर पर्व आनंद के किसी भी शुभ प्रयोजन का हिस्सा बन गया है। यहां स्त्रियों के साथ पुरुष भी सुंदर संगत बनाते हैं। बांसुरी, अलगोजा, ढोल, ढोलक, टिमकी और झांझ जैसे देशज वाद्यों को उपलब्धता और अपनी रुचि के अनुसार कोरकू समुदाय चुनता है। एक आदिम संगीत फिजाओं में महक की तरह घुलने लगता है और स्त्रियां इस महकते आलम को और भी दिलकश बना देती हैं। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर जब निगाहें हमारी जाती हैं, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वतीय इलाकों के आसपास कोरकुओं की सघन बस्ती बरबस ही हमारा ध्यान खींचती है। छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा तथा खंडवा जिलों में अपने जाति गौरव तथा विनम्र स्वाभिमान के साथ पेश आते कोरकू अपनी पुरजोर उपस्थिति दर्ज करते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं, स्मृतियों और शोधार्थियों के अध्ययन से मालूम होता है कि कोरकू महादेव शिव को अपनी सृष्टि का रचयिता मानते हैं। कोरकू जन स्वयं को इस धरती का पहला मनुष्य मानते हैं,
और अपनी आदिम धरोहर के प्रति जीवन भर धन्यता के भाव से भरे रहते हैं। इस धन्यता की अभिव्यक्ति कभी नृत्य तो कभी संगीत और कभी रंग रेखाओं में झलक उठती है। ये कलात्मक उमंगें पर्व त्योहार पर जैसे चरम को छूने लगती हैं। इस ठाट्या नृत्य को ही देखें, झलकती उमंगों की छापें यहां जैसे हर कोरकू की देह और मन पर पढ़ी जा सकती हैं। कुमार और कार्तिक के त्योहारी महीने ठाट्या की रंगतों से गुलजार होते हैं। खासकर दिवाली की रात और उसके दूसरे दिन पड़वा को यह नाच किया जाता है। पड़वा यानी पशु चरवाहा संस्कृति में बालों का वह मुहूर्त जिसके आनंद का चरम सिर्फ समूह के नृत्य में ही संभव है।
ठाट्या दरअसल बांसुरी जैसा बांस की पोंगली से बना लगभग 4 फीट लंबा वाद्य होता है। वही इस नृत्य की सुरम्य परंपरा की शोभा है। ठाट्या की फूंक पर आदिम धुनों का मधुर संगीत लहराता है और उसकी गमक ढोल टिमकी के साथ मिलकर माहौल को दिव्य चेतना से भर देती है। झूमता नाचता यह बावरा दल महावीर देव के चबूतरे पर ठहर पाता है। देव दर्शन के बाद गांव के पटेल के घर ठाट्या की महफिल जमती है। नेग न्यूछावर पाने के बाद ठाट्या नर्तकों का दल प्रस्थान करता है। Thank you.
यह उस परम तत्व की मनुहारों का सामूहिक उत्सव है जो सनातन है, एक प्रवाह है जो समूचे जीवन और प्रकृति को एक निश्चित लय और गति देता रहा है। उत्तराधिकार की इस कड़ी में आप आनंद ले रहे थे मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के नृत्यों की प्रस्तुतियों का। अगले अंक में एक बार फिर हम मध्य प्रदेश की किसी ऐसी ही प्रमुख जनजाति के नृत्यों की सौगात लिए आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।